आप कैसे देखेंगे सोने और चांदी में, अगर आपको कुछ पिक करना हो तो क्या होगा? हाँ देखिए, अगर हम सिल्वर और गोल्ड के रेशो को देखें तो सिल्वर में काफी हमने प्राइस गिरावट देखी है, तो सिल्वर एक अच्छी पिक रहेगी। हालांकि हमने 5% एक ही हफ्ते में रिकवर होते हुए देखे हैं, तो सिल्वर फास्ट मूविंग कमोडिटी है और जिस तरीके से हम बेस मेटल में रिकवरी देख रहे हैं तो उससे भी क्यूज लेती है। तो चांदी मुझे लगता है कि यहाँ पर करीबन 53,000 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही 57,000-58,000 के लेवल देखने को मिलेंगे और आगे दीपावली भी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको ईयर एंड तक अगेन 60,000 के ऊपर लेवल आते हुए देखें। तो रिटर्न वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, मगर गोल्ड भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर भी हम मान के चल रहे हैं कि आपको ईयर एंड तक आपको 53,000-54,000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर बात करें तो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मांग इतनी ज्यादा है कि प्रीमियम में चांदी यहां पर भारतीय बाजारों में कारोबार कर रही है। तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे, बहुत स्ट्रांग ग्राउंड यहां पर चांदी के लिए स्पेशली भारतीय बाजारों में है। मिस्टर